बहुत बड़े पैमाने पर इन सब चीजों को लेकर के आप एक पास अपने आपने एक पोस्ट में आज सर लिखा है, गंगाराम वाला मामला, बेचारे गंगाराम के नाम से। मैं चाहूंगा व्यूअर्स को, देश को समझना चाहिए कि ये बेचारे गंगाराम की कहानी जो आपने बताई है उसके क्या मायने हैं। देखिए वो पोस्ट मैंने आज लिखी इसीलिए क्योंकि तो मुझको ये लगा कि सन 47 से आज हम सन 2021 में आ गए, 74 वर्ष हो गए, लेकिन मुझको लगता कि जो मुस्लिम मानसिकता है वो बदली नहीं, वो वैसी ही है ज्यों की त्यों है। गंगाराम, सर गंगाराम, उनके उनकी कहानी इस बात का सबूत है। जो अभी इंद्रेजी अली जब आप लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ना कि उनका प्रयास निष्फल है, उनका प्रयास ठीक है लेकिन वो निष्फल, उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा, अभी तक तो नहीं मिल रहा, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। गंगाराम बहुत बड़े उद्योगपति थे और सबसे खास बात यह है कि मनीष जी, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना मुस्लिम लीग से, ना हिंदू महासभा से, कुछ नहीं। वो अपना उनका व्यवसायी थे, बड़े आदमी थे और बाकी समाज सेवा अपना करते थे, सोशल वर्क। आपको ताजुब होगा कि लाहौर का हाई कोर्ट जो आज भी है वो गंगाराम ने अपने पैसे से बनवाया। लाहौर का उस समय का सबसे बड़ा, आज की तारीख में टॉप 3 में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, सर गंगाराम ने अपने पैसे से बनवाया। लाहौर का पागलखाना, वहां पाकिस्तान में नहीं था, मतलब वो लाहौर का पाकिस्तान का पहला पागलखाना था, मानसिक रोगियों का अस्पताल, वो गंगाराम ने अपने पैसे से बनवाया। लाहौर का सबसे बड़ा एचिंसन कॉलेज, वो गंगाराम ने अपने पैसे से बनवाया। तो लाहौर का जो आज की तारीख में म्यूजियम है उनका, वो गंगाराम ने अपने पैसे से बनवाया। तो ये तो बड़े काम है जो आज भी मौजूद है, जहां पाकिस्तान की चलिए एक तरह से सरकार चल रही है। और उसके अलावा छोटे मोटे, जिस आदमी ने इतने बड़े बड़े काम किए थे, आप कल्पना कर ही सकते हैं कि छोटे स्कूलों और कितने काम उन्होंने किए होंगे। और लाहौर के माल रोड पे उनकी, गंगाराम जी की मृत्यु हो गई थी सन 1926 में, आजादी 47 से 21 साल पहले, और उनके परिवार का भी कोई आदमी राजनीति में कोई नहीं था। उनकी मूर्ति लगी थी माल रोड लाहौर में, और जैसे ही 47 में विभाजन हुआ तो भीड़ ने घेरा उस मूर्ति पे, लाठियां चला के पहले उसको तोड़ा, उससे जब उसका जी नहीं भरा तो उसने उस मूर्ति पे काली पोती, काली पोतने के बाद उस मूर्ति पे जूतों की माला पहनाई और वो मूर्ति हट गई। क्या दुश्मनी थी गंगाराम से? गंगाराम वो देके गए थे उस लाहौर के जनता को, जिसको आज भी भोग रहे हैं, आज भी भोग रहे हैं, 74 साल बाद भी गंगाराम की देन पे काम चल रहा है। उनका अस्पताल बना के देखे गए थे, कॉलेज बना के देखे गए थे। तो ये मानस केवल सांप्रदायिक मानस था, हिंदू मुसलमान वाला था कि ये काफिर वाला मानस था। और ये मानस मैं क्यों कह रहा हूं कि आज भी प्रासंगिक है। देखिए बंगाल की जो हिंसा है उसका एक उसका पक्ष बहुत भयानक रूप से उभर के आया है। पहले तो वोटिंग में उभर के आया मनीष जी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि 30% मुसलमानों ने इकट्ठे होकर सिर्फ इस बात को वोट डाला कि भाजपा के खिलाफ डालना है। उन्होंने ओवैसी, पुरपुरा, कांग्रेस, वामपंथी सबको किनारे कर दिया, ममता हरा रही, तो इकट्ठे पड़ा 1 लाख। अब अभी तो व्हाट्सएप पे आ रहा हो, पता नहीं कितना सही है ये, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा हेर फेर की गुंजाइश इसलिए नहीं है। जहां मुस्लिम बूथों में जहां 100% मुस्लिम वोट थे, वहां 93% 94% वोटिंग हुई है, और उसका जो काउंटिंग में निकला है तो कहीं मतलब भाजपा और कांग्रेस वांग्रेस कहीं 2 वोट 7 वोट 3 वोट मिले, और बाकी 99% वोट जो है वो तृणमूल को पड़ा है। तो ये जो सांप्रदायिक मानस है ये आज भी वैसे ही है, और इसका कारण बता रहा हूँ मैं, गंगाराम से क्यों तुलना कर रहा हूँ। मनीष जी, नरेंद्र मोदी से ज्यादा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश के जो कट्टरपंथी मुल्ला नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, जो कट्टरपंथी सेकुलर नेता हैं, और जो लुटियन मीडिया है, इसके निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। मतलब नरेंद्र मोदी से ज्यादा मुस्लिमों का विरोधी, मुस्लिमों का दुश्मन ये योगी आदित्यनाथ को प्रस्तुत करते हैं। तथ्य क्या है? अभी विधान परिषद में जब ये बजट सेशन था, विधान परिषद, देखिए आप तो पत्रकार, आपको तो जानते हैं कि
चुनावी मंच से तो केजरीवाल की तरह झूठ बोला जा सकता है, लेकिन सदन के अंदर खड़े होकर कोई मुख्यमंत्री गलत बयानी नहीं कर सकता। उसको विशेषाधिकार हनन कर चलेगा तो सदन के अंदर तो उसको सच्ची बोलना पड़ेगा जो तथ्य है। और मुख्यमंत्री योगी ने चैलेंज किया कि जितनी भी ये आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य जो केंद्र की योजनाएं हैं और कहीं जो मेरी प्रदेश की योजनाएं हैं, उनमें हर योजना का जो लाभार्थी है उनमें मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 30-35% है, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 18-19% है। 18-19% जनसंख्या में हिस्सेदारी है, लेकिन उन योजनाओं में 30-35% की हिस्सेदारी है। ये दुश्मन करेगा या आपका विरोधी करेगा, आपके प्रति सांप्रदायिक घृणा रखने वाला व्यक्ति करेगा, ये नहीं करेगा। और इसके अलावा एक आंकड़ा जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो चौंकाने वाला है कि 2020-21 में 53,000 करोड़ रुपए, छोटी मोटी राशि नहीं है, बैंकों ने 53,000 करोड़ रुपए 20 लाख के करीब मुस्लिम व्यवसायियों, उद्यमियों उनको दी है। ये बैंक जो है या तो केंद्र सरकार का ही है, राज्य सरकार के बैंक किसी की वित्तीय स्थिति नहीं है। तो जिस योगी आदित्यनाथ के राज्य में मैंने कहा ना 30-35% हिस्सेदारी हर जन विकास और कल्याणकारी योजना में है, और 53,000 करोड़ रुपए का लोन बैंकों से एक साल में दिया गया है, ये दुश्मनी आला है। लेकिन और इसके अलावा एक और बात चौंकाने वाला आंकड़ा है मनीष जी, आप इन इन सेकुलरों को लुटियन मीडिया और ये कोई न्यूज चैनल इस पर कभी बात नहीं करता, और ये ऐसा तथ्य है कि नंगे हो जाएंगे ये लोग, और ये जो कट्टरपंथी मुल्ला जहर उगलते हैं इसका जवाब दें वो। अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में मनीष जी अल्पसंख्यक कल्याण और विकास के नाम पर केंद्र और प्रदेश राज्य के सब मिला के कुल 3,50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 5 साल में, और योगी आदित्यनाथ के 4 साल के कार्यकाल में इन अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए केंद्र और राज्य की मिला के जो सारी योजनाएं हैं उसमें 4,19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए 4 साल में। अखिलेश यादव के 5 साल में 3.5 लाख करोड़ और 4 साल में 4,19,000 करोड़। ये मुसलमानों का दुश्मन करेगा, लेकिन तुमको केवल योगी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि योगी भगवा बनता है, या तुमको मोदी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मोदी गोल जालीदार टोपी नहीं लगाता, तो तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे। अगर तुमको तो सोचना चाहिए था इन आंकड़ों के बाद कि 70 साल जिन लोगों इनका गिरेवान पकड़ के पूछना चाहिए था कि तुमने पहले ये काम क्यों नहीं किया जो आज तुम कर रहे हो, लेकिन उसके बजाय ये करने के बजाय ये बंगाल में इकट्ठे हो गए कि किसी तरह से ना जीतने पाए। तो जैसे होता ना एक उदाहरण है जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेना, वो उदाहरण इनके ऊपर पूरा फिट बैठता है।